राजीव जी के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि राजीव जी अब सवाल यहां पर नीतीश कुमार को लेकर यह पूछा जा रहा है कि साहब जीरो टॉलरेंस करप्शन पर नीतीश कुमार कहते हैं और वही बात एक परिवारवादी पार्टी होने का जिस पर आरोप लगता है आरजेडी, तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है चार्जशीट में उनका नाम आ जाता है, अब क्या करेंगे नीतीश? देखिए आपने कई सवाल किए हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि अनइंटरप्टेड मुझे आप सुन लें तो कृपा होगी। पहली बात तो देश में एकमात्र राजनीतिक दल है जो ये कह सकता है कि उसे परिवारवाद से कोई मतलब नहीं है, वो हमारा दल जनता दल यूनाइटेड है। हमारे दल पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, इसलिए मैं नसीहत देने वालों को एक बात जरूर कहूँगा कि अगर नीतीश कुमार जी के साथ उन्हें राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को के रिश्ते को लेकर के उन्हें कोई ऐतराज है तो एक बात बता दें कि आज से 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान पर वो क्या कहेंगे जिसमें 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के आरोपी अजीत पवार जी के बारे में उन्होंने क्या कहा, यह हमारा आरोप नहीं है। उन्होंने एविएशन स्कैम को लेकर के इनके दल के नेताओं ने प्रफुल्ल पटेल जी के बारे में क्या कहा, स्टैम्प घोटाला के सरगना तेलगी के साथ जो रिश्ते रहे या महाराज सदन के उस समय के जो बड़ी अनियमितताओं के लिए जवाबदेह माने गए जी। और इसके बाद छगन भुजबल इनके सरकार में शामिल है, ये लंबी फेरिस्त है। बिल्कुल, दरअसल ये एक बात को बार बार दोहराना ठीक नहीं होगा कि इनकी जो लॉन्ड्री है उसमें दाग अच्छे हो जाते हैं, दाग मिटते तो नहीं है, दाग अच्छे हो जाते हैं। और परिवारवाद एक छोटा सा उदाहरण, विजया राजे सिंधिया जी दिवंगत हैं, उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनकी दो बहनें यशोधरा राजे जी मध्य प्रदेश में, वसुंधरा राजे जी राजस्थान में, वसुंधरा राजे जी के सुपुत्र दुष्यंत सिंह जी सांसद हैं। ठीक है सर, ये छोटी बानगी है। ठीक है, और ऐसे अनेक परिवार आप जो बात कह रहे हैं सर, भारतीय जनता पार्टी के सरपरस्ती में अपना काम कर रहे हैं। ठीक है सर, परिवारवाद को लेकर भी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी आपने जो आईना दिखाया है, और नलिन कोहली जी जिस बात का जिक्र यहाँ पर कर रहे थे ना राजीव जी, पता नहीं सोशल मीडिया पर वैसे सर चल रहा है, आपने देखा है या नहीं देखा है, वॉशिंग पाउडर भाजपा जमकर चल रहा है सर, देखा है या नहीं देखा है? आ जाइए 30 सेकंड के लिए, जल्दी से जवाब दे दीजिए। नहीं मैंने नहीं देखा जी। तो पहली बात राजीव जी को ये कहूंगा, मैंने बड़ा स्पष्ट अपने शब्दों का प्रयोग किया कि परिवार केंद्रित, जहां पर नेतृत्व परिवार से आता है या वो परिवार ही नेतृत्व तय करता है, हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं है। परिवार के लोग आ सकते हैं लेकिन वो पार्टी की दिशा दशा सब अकेले तय नहीं करते। और दूसरी बात, राजीव जी ने भ्रष्टाचार की बात की, तो जब जिन लोगों का नाम ले रहे हैं उनमें से कई सज्जन नीतीश जी के साथ बैठे हुए थे तब बड़े साफ लग रहे थे, तो ये भी एक अच्छा मॉडल है ना कि हमारे साथ बैठे तो वो साफ है, ठीक है, बाकी के साथ जाए तो वॉशिंग पाउडर की बात कर लीजिए। ठीक है, तो फिर ये कौन सी जादुई वॉशिंग पाउडर थे वहां बिहार में जिनके साथ बैठ के कोई ऐसा गंध दिखा नहीं? ठीक है सर, या चश्मे जो है गलत पड़ गए? ठीक है, जो दो मॉडल्स आपने बताए थे उसमें आपने समाजवादी पार्टी को लेकर भी सवाल उठाया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।